डियर स्टूडेंट्स, वेलकमिंग एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जो भी बच्चे एमवीपीपी का पेपर देने जा रहे हैं 10 तारीख को, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे सिलेबस को लेकर बात करने जा रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कर पाएँ। ठीक है, देखो, ये जो पुराना जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन था ना, वो था 3 तारीख, तो इसको एक्सटेंड करके 10 तारीख जो है वो कर दी गई है। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड भी मिल गया होगा। देखिए, सिलेबस के बारे में आपको बता दूं, आप जब पिछले साल के पेपर देखेंगे ना, तो उन क्वेश्चन से ही आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो सिलेबस क्या है। तो जो क्वेश्चन पेपर है, उसी में से जो मैंने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसके लिए ना, ये जो हम बात कर रहे हैं ना आपको, ये जो एमवीपीपी की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो इसका डेफिनेट सिलेबस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि क्लास 9th की आपको सारी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, और जो मैट है ना, मैट, उसमें कुछ आपकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इस तरीके की चीज़ों को देखा जाता है। अब मैं आपको बता दूँ, देखो, बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि क्या पेपर जो है, मैं आपको भी सारा सिलेबस भी दिखा रहा हूँ इसी में, तो जो पेपर है, क्या जो दो पेपर हैं, क्या वो अलग अलग दिन में होंगे या अलग अलग टाइम पर होंगे? आपको एक पूरी बुकलेट मिलेगी, जब आप पुराने पेपर देखोगे, मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, एएससी स्टार्टर लिखेंगे, वीडियो आ जाएगी, एमवीपी लिख कर। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा था कि सिलेबस के बारे में भी और बुकलेट के बारे में भी। तो बुकलेट जो आपको मिलेगी, उसमें मैट और सेट दोनों ही एक ही बुकलेट में होंगे। फिर आपको जो एक ओएमएस शीट होती है, उसको भर के फिर अपना एग्ज़ाम आपको उसी में भर के सबमिट करवा देना होता है, और क्वेश्चन पेपर आप घर पर ले आते हैं। समझ रहे मेरी बात? अब आप सिलेबस के बारे में देख लो, तो जैसे सिलेबस में क्यूब से रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, ठीक है, पैटर्न से रिलेटेड, इस तरीके के क्वेश्चन है। आप 3-4 पेपर करोगे ना, तो मैट का सारा आपको पता लग जाएगा। अब आ जाओ सेट पे। अगर हम सेट की बात करें, देखो, मैट जो है ना, वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, और जो सेट है ना, ये आपका स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो क्लास 9th पढ़ी है, उसको आप कितने अच्छे से जान पाए हैं, उसको कितना डीपली आप अच्छे से बता सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो वो 10th क्लास के भी इसमें से आ जाते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री। अब जिन बच्चों ने उसकी तैयारी की होगी ना, 100 के एग्ज़ाम की, तो उनके पास बुक होगी, तो उसी बुक से वो इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो, जैसे मैथ्स में क्या क्या है, नंबर सिस्टम है, पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और अरिथमेटिक, ज्योमेट्री सीरीज है, तो ये थोड़ा 10th क्लास का भी इसके अंदर कवर हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन है ना, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ भी होती हैं, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन, ये इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। ऐसे अगर हम साइंस में देखें, तो 9th क्लास के हैं ज़्यादातर चैप्टर, और कुछ जो है वो 10th क्लास के भी हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इसको आइडिया लेकर पढ़ सकते हैं, और अच्छे से नॉलेज जो है वो गेट कर सकते हैं। तीसरा, इसमें SST का होता है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, मैथ्स आती है, साइंस आती है, और SST आती है। तो SST आप 9th क्लास की अच्छे से करेंगे, कुछ क्वेश्चन 10th क्लास के, जैसे जो रिसोर्स है उसके रिगार्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो दे सकते हैं। तो ये है, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो आप पिछले साल के पेपर की तैयारी से ही आप अच्छी तैयारी और कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप ना, जो अपनी जो जितनी भी 9th की बुक्स हैं, उन्हें अच्छे से डीपली कर लो। ठीक है, बाकी जो बहुत सारे सपोर्ट मटेरियल जैसे होते हैं ना 9th क्लास के, तो वो आप पढ़ लो। और जो सैम्पल पेपर जो इसके मैट के होते हैं, सैट के होते हैं, ये अगर आपके पास सोर्स का पड़ा, तो उससे आप तैयारी कर लो, क्योंकि एक्स्ट्रा तो बहुत आता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी GK अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस, उससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये था, इसमें मैंने आपसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्कूल के रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, और एक अलग वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूँगा कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो गाइडलाइंस है वो कौन कौन सी हैं। आपको दो जो है एडमिट कार्ड के जो पेपर मिले होंगे, क्योंकि आपको दोनों ले जाने पड़ते हैं, एक आपको वापस दे दिया जाता है और एक वहीं पर सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने ब्रीफली बताया, बाकी अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।